अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा पहला व्लॉग है और जितने भी व्लॉग्स होंगे वो सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड होंगे, व्लॉग्स होंगे एप्लीकेट से रिलेटेड वीडियोस होंगी, इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस होंगी, मोटिवेशन वीडियोस होंगी, सारी हमारी मेडिकल से रिलेटेड होंगी। और सेकंड ये सीन है, आज हमें जाना है यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स के लिए, परमिशन लेनी है, NOC एक लेटर होता है। इलेक्टिव्स क्या, हमारे जो सेकंड ईयर का गैप होता है उसमें बीच में आप हॉस्पिटल रोटेशन में जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, सेकंड में भी जा सकते हैं, थर्ड के बाद भी जा सकते हैं, डिपेंड होता है। तो हम सेकंड के बाद अभी जाने का सोचा, इस बार थर्ड के बाद भी चले जाएंगे क्योंकि फारिग थे, एक महीने का गैप मिला, तो आज जाने NOC लेने, वहाँ से देखते कितनी फारिग लगती है, मिलता है नहीं मिलता, क्या सीन होता ओके okay। है। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठा, मैंने पढ़वा नमाज़ पढ़ी और कैमरा सेट करके अभी बैठ गया कैमरे के सामने, तो हालत तो इग्नोर करिएगा मेरी। और सेकंड ये अभी हम जाएंगे, सारे दोस्त नहीं आ रहे क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो जिनको इलेक्टिव्स करने हैं सिर्फ वो आएंगे, हम नए एमन वगैरह। एंड सेकेंडली नाश्ता भी बन गया, तो ये नाश्ता वगैरह आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि जितने भी ब्लॉग्स होंगे सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो सिर्फ मेडिकल की ही चीज़ें होंगी उसमें, ये नहीं कह सो रहे हैं तो वो भी आपको दिखा रहे हैं, हाँ भाई सो रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, बाकी दोस्त वगैरह होंगे, धपनी वगैरह होंगी, वो सब दिखाएंगे, और बीच में भी और इवेंट होंगे तो वो भी दिखाएंगे, बट सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड गाइड होगी इसमें सारी। और बहुत से बच्चों को नहीं पता था इलेक्टिव्स क्या होती हैं सारी चीज़ें, मुझे भी नहीं पता था, अभी सेकेंड ईयर हमारा ख़त्म हुआ तो पता चला है, तो इसी वजह से ये चैनल बनाया कि भाई जो आपको गाइड है बच्चों को नहीं मिल पाती, MD CAT के हिसाब से भी होगी इसमें बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी MD CAT में बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, वो भी मैं बताऊंगा। और इंशाल्लाह देखता है कि कैसे इन्हों तो यूनिवर्सिटी में कितनी फारी होती है NOC के लिए, बाकी फिर यूनिवर्सिटी में मिलता है। एक बात और कि अभी जा रही है मेरा स्टार्ट ही है, तो इसमें लाइटिंग का भी मसला होगा, आवाज़ का भी इशू होगा, एंगल का भी कहीं ना कहीं इशू होगा, और चीज़ें हो सकता है शायद इतनी ज़्यादा कवर भी ना हो पाए, तो शुरू के ब्लॉग से जाहिर है थोड़ा मसला होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो शुरू में आपको मैनेज करना पड़ेगा। पानी बहुत ज़्यादा शोर होता है तो मैंने आवाज़ बंद करी थी और यहाँ मैंने अपना बैग लगाया था क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ हवा आ रही थी। ओके जी, तो यूनिवर्सिटी आ चुके हैं अभी, आप 1 माह के बाहर खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक तो रश इतना होता है, जितने भी सुबह आ जाओ यहाँ रश आपको मिलना ही मिलना है। हम ना है अभी अंदर, वो करवा रही है अपना काम, उसके बाद निकलते हैं फिर हम भी यहाँ से, और अभी लंबी ख्वारी है वापसी भी यहाँ से जाना है, देखते हैं क्या सीन होता है आगे, मिलता भी है या नहीं मिलता। यहाँ देखिए NOC के बारे में क्या लिख रहे हैं, ये नहीं पता पॉइंटर से कौन एप्लीकेशन लिखता है, पॉइंटर नहीं है ये, वही जो भी है रिमूवर है जो भी है तेरा, अच्छा लिखता है तो मुझे नहीं पता क्या लिखना है। आए हमने खोला सेकंड ईयर वांट्स NOC के, अच्छा हमको सिखा रिया है, ऐसे लोगों को NOC चाहिए, इसका एप्लीकेशन नहीं आ रही लिखना। हाँ नो अभी कैसे बता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। गए देखे बड़ा ब्लॉगर छोटा ब्लॉगर, गजब बेइज्जती है, और वो दोनों कहाँ गए, हमारे कंटेंट है ये दोनों, पहले ब्लॉग के कंटेंट है। सही है, हमने ले लिया सारा सामान तकरीबन सारा का सारा, इन दोनों के पास भी कौन सा फिल्टर है यार, फिल्टर क्या नेचुरल है यार, ये तुम लोग लगता नहीं है तुम लोग इतने प्यारे हो, नहीं मुझे लग नहीं रही प्यारी में, नहीं लग रही तो फिल्टर में भी प्यारी नहीं आ रही। आर यू कॉमेडी मी, अच्छा ओके, तो बगैर फिल्टर के लिए अपना ब्लॉग ना बगैर फिल्टर के बनाइयो। यहाँ अब ये सीन था, हमने एप्लीकेशन दे दी थी पर उन्होंने कहा कि आप 12 बजे आ जाएं NOC लेटर लेने, लेकिन वहाँ हमारे पास 2 से 2.5 घंटे थे, हमने कहा चलो बाहर चलते हैं थोड़ा ढाबे पे नाश्ता कर लेते हैं, और यहाँ इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि मुझे कैमरे से ही नज़र नहीं आ रहा था, सर ये एंगल भी ऊपर नीचे हो रहा है और आवाज़ बहुत शोर आ रहा था, पीछे ट्रक वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर करा, फिर अब ये ढाबे जाएंगे वहाँ से हम नाश्ता करके वापसी फिर NOC लेने जाएंगे। अच्छा जी, तो सीन ये है, फाइनली हमें NOC मिल गया, बस शॉर्ट से पकड़ के हम घर घर निकलेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सोना है घर जाके। अच्छा जी, अभी तकरीबन 8:30 हो गए, यूनिवर्सिटी जाके हम सोए थे और ऐसा मस्त सोए, 7 बजे उठना था मुझे, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था और 8:30 बजे मैं उठ रहा हूँ, खैर अभी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे जल्दी से और फिर ट्यूशन पढ़ाने निकलेंगे, इसके अलावा हाँ सुबह हमें फिर बस शेड हॉस्पिटल जाना है क्योंकि जो सुबह से हम घूम रहे हैं NOC के चक्कर में, तो वहाँ अप्लाई कर लें, बासी में जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो करीब बहुत पड़ेगा, लेकिन अगर जीना में हो गया या कहीं और अप्लाई करना पड़ा तो ज़ाहिर है वो दूर पड़ेगा, चाह रहे फैसल कौन जाए,
जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या सीन बनता है। इंशाल्लाह आपको भी अपडेट करेंगे सुबह जाके, कहाँ अप्लाई होता है, क्या सीन होता है। सुबह के 9 बज रहे हैं और प्लान जो है हमारा कैंसिल हो चुका है। अब अब्बास ही नहीं, अब या तो जीना जाएंगे या फिर सिविल जाएंगे। पहले जीना पे ट्राई करेंगे, अगर ले लिया उन्होंने तो अच्छा है, वरना फिर हमें सिविल में अप्लाई करना पड़ेगा। अब्बास में मसले आ रहे थे, दूर भी पड़ रहा था और भी काफ़ी मसले थे। मुझे नहीं, मुझे तो करीब पड़ रहा था, मुझे बाकी वो दोनों बहुत दूर पड़ेंगे। दूसरा ये 10 बजे पहुँचना है वहाँ पर, बाइक पंचर हो चुकी है मेरी। हमसे क्या जाना है, उससे बाइक उठानी है, फिर वहाँ से डायरेक्ट हमें जीना के लिए निकलना है। और तकरीबन मुझे हो चुका हूँ, कपड़े भी मैंने बिना इस्त्री करे ही पहने, अभी तो ऊपर से जैकेट पहन लें, किसी को क्या पता चलना है। सीन ये, अंदर तो बहुत ज़्यादा रश है और अंदर रिकॉर्ड करना सही लगा भी नहीं मुझे, और जहाँ तक मेरे ख्याल अलाउ होगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पेशेंट बहुत थे और इस तरीके से पेशेंट को दिखाना भी सही नहीं था। तो इसलिए अभी तो फिलहाल मैं बाइक पार्किंग में बैठा हुआ हूँ, दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, दोस्त आ जाएँ तो फिर अंदर जाते हैं। और जो NOC वगैरह के जो भी चक्कर हैं वहाँ पर, कौन कौन से डिपार्ट हैं, वो सब आपको दिखाएँगे अगर पॉसिबल हुआ। वैसे मुझे लगता नहीं है यहाँ पर अलाउ होगा रिकॉर्डिंग का, बट खैर देखते हैं क्या सीन होता है। दोस्त आ गए थे सारे, अब हमें एप्लीकेशन लिखनी थी जो हॉस्पिटल में देनी है। भाई काम हो चुका है, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ बोलना होगा इस समय। हाँ जी, तो काम हो चुका है, अब इंशाल्लाह मंडे से हमारे लगेंगे इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे। और काफ़ी घूमने के बाद अब्दुल्ला भाई मेरे साथ हैं। हेलो, ये डॉक्टर अब्दुल्ला, इंशाल्लाह इनको भी आप देखेंगे मेरे साथ। और बाकी मंडे को देखते हैं पहला क्या यहाँ पर माहौल होता है, फिर आपका अपडेट करेंगे इसके साथ साथ। तो ये था हमारा पहला ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।